टू माई चैनल. सो आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन और मुझे सेंड किया है purple.com से पीआर पैकेज जो है एज यूजुअल स्प्लर्ज. वेल लेट्स सी कि इसके अंदर मुझे कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट इस बार रिसीव हुआ है. सो आप देख सकते हो इस तरह से ये मिनी पाउच है यहाँ पे मेरे पास. लेट्स ओपन दिस और देखें. ओके सो इसमें मुझे यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं. And this one is Estee Lauder Perfectly Clean Foam Cleanser. और second जो है ये है Estee Lauder Day Wear. ये है so it's a hydration cream. छोटू सा product ये है Estee Lauder का Advanced Night Repair. So सबसे पहले तो मैं apply करूँगी ये foam cleanser and let's see कि ये product कैसा है because it's going to be a short मिनी स्किन केयर जो आप समर सीजन में डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं. जस्ट ओपनिंग दिस. हैज अ वेरी स्वीट सेंट एंड आप देख सकते हैं इस तरह से ये ग्रे कलर के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी लाइक इतना सा और ये थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में है. और दोस्तों ये आइडियल है फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. तो ये पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मैं. तो ये बहुत ही जेंटली आप इसे मसाज दीजिए अप्लाई करने के बाद. एंड ऑल्सो दिस इज अ वेरी माइल्ड क्लेंजर. वाओ इट स्मेल्स सो गुड. ठीक है तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया. तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ. आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है अपने हाथों में एंड देन यू हैव टू रिंस इट प्रॉपरली. ठीक है तो ये जो फोमिंग है इसमें थोड़ा सा फोम आएगा वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि फोम आता है या नहीं आता बिकॉज इसमें लिखा हुआ है इट्स अ फोम क्लेंजर. सो लेट्स सी आई विल बी बैक. तो गाइस आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया और मेरे आंख के अंदर घुस गया ये. ओह गॉड. एंड आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा इसमें फोम आ रहा है. मैंने यहाँ पे थोड़ा लेस क्वांटिटी लिया है इस प्रोडक्ट का. अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो परफेक्ट वाला फोम आएगा. एंड कुछ इस तरह से आपको अच्छे से मसाज देना अपने फेस में. जो भी आपके यू नो फेस में डर्ट होंगे वो ईजिली एलिमिनेट हो जाए यानी कि निकल जाए. ठीक है सो नोज एरिया में स्पेशली मैं ज़्यादा अच्छे से यू नो मसाज देती हूँ क्योंकि नोज एरिया में जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं अगर आपके भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है स्पेशली लड़कियों की यहीं पे होती है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम लाइक चिन पे सॉरी चीक्स पे चिन कह रही हूँ चीक्स पे एंड नोज पे. सो इस साइड आप अच्छे से मसाज दीजिए. दिस प्रोडक्ट इज वे टू माइल्ड. अभी मैं आती हूँ इसको वॉश करके. माई स्किन लिटरली फील सो गुड. बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रहा है दोस्तों एंड बहुत ही ज़्यादा सपल एंड हाइड्रेटिंग फील हो रहा है मेरी स्किन पे. सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ट्राई करना. अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है ये सीरम. ठीक है मैं ये सीरम जो है नाइट रिपेयर सीरम इसको मैं रात को भी सोने से पहले अप्लाई करती हूँ. तो आप इसे यू नो उस टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों टाइम के लिए वर्क करता है. इवन आप इसे डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो नाइट में भी. इट्स अ सीरम सो इट विल रिपेयर योर स्किन. और ये बिल्कुल भी यू नो ऑयली टेक्सचर नहीं है ऑयल फ्री टेक्सचर है दोस्तों. सो बहुत ही ईजिली आपकी स्किन पर ये अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड बिल्कुल भी ये ग्रीसी वाला टेक्सचर नहीं देगा आपकी स्किन को. यू कैन टेक लाइक 3 to 4 drops. 3 drop हो गया मैं 4 drop ले लेती हूँ. 5 drop. ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू दोस्तों ये सीरम अप्लाई करने का एक टेक्निक होता है इसका नाम है हार्ट रिचुअल. सो आपको इसे स्टार्ट करना है या तो आप अपने टेम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर नोज. ठीक है मैं मोस्टली क्या करती हूँ नोज से स्टार्ट करती हूँ इस तरह से सबसे पहले एंड देन आई गो लाइक दिस. नीचे की तरफ आपको ग्लाइड करके लेके जाना है. सो ये एक हार्ट शेप बन जाएगा. ठीक है आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ प्रोडक्ट. अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टेम्पल से तो आप ऐसे लीजिए एंड ऐसे तो ये एक हार्ट शेप बन जाएगा. सो ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए. एंड इस तरह से आप अप्लाई भी करेंगे तो आपके जो हाई पॉइंट्स होंगे उसको ये ग्लोई ड्यूई इफेक्ट देगा बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देगा एंड ऑल्सो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सपल बनाएगा एंड फुल मॉइस्चराइजेशन आपके फेस पे आ जाएगा इस तरह से आप अप्लाई करेंगे. तो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट क्योंकि इसने बहुत अच्छे से यू नो मेरी स्किन को रिपेयर कर दिया है एंड ऑल्सो आपकी स्किन के
टेक्सचर को ये बैलेंस करके रखेगा एंड ये प्रोडक्ट जो है ऑल स्किन टाइप है सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एंड ऑल्सो इट्स वे टू माइल्ड प्रोडक्ट. आप देख सकते हैं हल्का सा इसने यहाँ पे ग्लोई ड्यूई इफेक्ट दिया है मेरे फेस को. इसका बेस्ट रिजल्ट आता है दोस्तों जब आप इसे रात को लगा के सोओगे एंड देन मॉर्निंग में आप देखोगे आपकी जो स्किन होगी ना बहुत ज़्यादा हल्की सी यू नो बाउंसी होगी, सपल होगी एंड बहुत ही ब्यूटिफुल ग्लो करेगा आपका स्किन. नाउ दोस्तों मैं अप्लाई करूँगी ये क्रेम जो है ये डे वेयर क्रेम है दोस्तों और इसमें SPF 15 है सो इट विल वर्क लाइक अ सनस्क्रीन क्योंकि इसमें SPF 15 है प्लस ये डे क्रेम भी है. तो आप देख सकते हैं बहुत ही लग्जरियस पैकेजिंग है इसकी. हल्का सा ये क्रीमी हाँ ये क्रीम बट वैसा थिक क्रीम होता है ना दोस्तों उस तरह का क्रीम नहीं है ये बिल्कुल भी. ये बहुत ही वैसा हल्का सा जेली फॉर्म क्रीम में है. ठीक है सो इसको मैं अप्लाई करूंगी यार पूरे फेस पे एंड ऑल्सो अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं ज़्यादा आपको लगता है कि आपकी स्किन यू नो पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट नहीं होती है एंड पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज कर देता है तो आप इस तरह से अप्लाई कीजिए इसे. तो अप्लाई करते ही ये पूरे ही अच्छी तरह से मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है एंड बहुत ही अब ऐसा लग रहा है मेरे को स्किन ना बड़ी अच्छे से रेडी हो गई है. अब जाके आई विल जस्ट स्लीप एंड वाओ माय स्किन लुक सो गुड राइट नाउ. सो अभी थोड़ी सी मैं आपको टायर्ड लग रही हूँ. सो दैट्स इट दोस्तों आज की यही है छोटी सी स्किन केयर रूटीन. आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड यूजफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.